1949 में आज ही के दिन देश का सर्वोच्च कानून संविधान को अंगीकार किया गया था। भारत संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित होता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने महज 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में दुनिया के सबसे बड़े बेहतरीन और शक्तिशाली संविधान का निर्माण किया था और 26 नवंबर 1949 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं। यह 22 भागों में विभाजित है। केंद्रीय कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। केंद्रीय संसद की परिषद में 2 सदन हैं, जिन्हें राज्यों की परिषद राज्यसभा और लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। आज ही के दिन 1953 में ब्रिटेन के ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने देश में व्यावसायिक टेलीविजन चैनल शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस मुद्दे पर 2 दिनों तक गर्मागर्म बहस के बाद मतदान हुआ। 157 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट डाले, जबकि 87 सांसदों ने इसका विरोध किया था। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद से ही ब्रिटेन में प्रसारण के क्षेत्र में बीबीसी के एकाधिकार को रद्द करने के लिए दबाव बढ़ रहा था। 1951 में बीबीसी चार्टर को स्वीकृति देने के समय भी इस विषय पर काफी चर्चा हुई थी। जुलाई में सांसदों ने इस मुद्दे पर बहस के बाद एक जांच दल का गठन करने का फैसला लिया, जो ब्रिटेन में दूसरा टेलीविजन चैनल लाने पर अपने सुझाव देगा। रिपोर्ट में कहा गया था कि बीबीसी को एक लंबे समय से एकाधिकार हासिल है और इसलिए बीबीसी के जरिए ही दूसरा चैनल लाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। मार्च 1954 में आखिरकार संसद ने टेलीविजन बिल पेश किया। 1983 में आज के दिन ब्रिटेन में अब तक की सबसे बड़ी डकैती हुई थी। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर स्थित ब्रिक्स मैट बैंक की तिजोरी से डकैतों ने 2.5 करोड़ पाउंड कीमत की सोने की ईंटें लूट ली थी, जबकि 1 लाख पाउंड के हीरे की भी चोरी हुई थी। पुलिस के मुताबिक 6 लोगों ने सुरक्षा कर्मियों को अपने काबू में कर लिया था। इसके अलावा उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा उपकरणों की विशाल प्रणाली को भी नाकाम कर दिया था। बीमा कंपनियों ने 6800 सोने की ईंटों की जानकारी देने के लिए 20 लाख पाउंड का इनाम रखा था। सभी सोने की ईंटों पर रिफाइनरी की मुहर लगी थी, जिसे आसानी से पहचाना जा सकता था। लूटे गए सोने का थोड़ा ही हिस्सा मिल पाया था। इस मामले में सिर्फ 2 लोगों को ही सजा दी जा सकी। 1992 में आज ही के दिन ब्रिटेन की महारानी की आय पर कर लगाने का फैसला लिया गया था। ब्रिटेन की संसद ने एक ऐतिहासिक फैसले में यह तय किया कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को अपनी आय पर कर देना होगा। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने ब्रिटेन के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में बयान दिया कि महारानी एलिजाबेथ ने खुद उनसे कहा था कि वो अपने आयकर के प्रावधानों में कुछ बदलाव चाहती हैं। नए कानून को अप्रैल 1993 से लागू किया गया। पूरी संसद ने इस फैसले का स्वागत किया था। 2008 में आज के दिन मुंबई में चरमपंथी हमला हुआ था। समुद्री रास्ते से आए चरमपंथियों ने मुंबई के ताज होटल, ओबराय होटल, लियोपोल्ड कैफे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और नरीमन हाउस को निशाना बनाया था। लगातार 60 घंटे तक चले इस हमले को पूरी दुनिया ने टेलीविजन पर देखा था। इन हमलों में कम से कम 180 लोग मारे गए थे, जिनमें कई विदेशी नागरिक और सुरक्षाकर्मी थे, जबकि 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। इस हमले पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने 10 हमलावरों को मार गिराया था, जबकि एक हमलावर को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद अजमल कसाब नाम के चरमपंथी पर चले मुकदमे के बाद निचली अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई। इन हमलों के बाद से भारत ने पाकिस्तान के साथ चल रही शांति वार्ता बंद कर दी थी, जो अब तक पूरी तरह से पटरी पर नहीं आ पाई है। और 26 नवंबर यानी कि आज का दिन दुनिया भर में विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की ओर से आयोजित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एक प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय एजेंसी है, जिसका मूल उद्देश्य पर्यावरणीय परिस्थितियों के संदर्भ में न केवल समीक्षा करना है, बल्कि पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देना भी है। यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के महत्व और उससे जुड़ी जानकारी के विनिमय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।